अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म मैदान पिछले कई महीनों से पोस्टपोन हो रही है। इसकी रिलीज के लगातार टलने से फिल्म को लेकर कई तरह की बातें भी होने लगी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म अभी तक पूरी शूट नहीं हुई है, कुछ का कहना है कि इसका बजट इतना ज्यादा था कि इसे डिब्बा बंद कर दिया गया। इन सभी अफवाहों पर अब प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा, मैंने फिल्म का कुछ हिस्सा चेन्नई के करीब 300 लोगों को दिखाया है और ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, हाँ बस अभी तक इसकी VFX पर काम चल रहा है। VFX से जुड़ा काम ही बचा हुआ है जिसे पूरा करने में अभी और वक्त लगेगा। बोनी ने कहा, जो लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म का बजट ज्यादा है और उसकी वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, उन्हें बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म का बजट एक्सीड नहीं किया गया है। HT टाइम्स ने प्रोडक्शन के एक सोर्स से बात की। सोर्स ने पोर्टल को बताया, मैदान एक यूनिक फिल्म है, ये वर्ड ऑफ माउथ से प्रचलित होगी, जैसे आमिर की दंगल को पॉपुलैरिटी मिली, मगर अभी हम समय ले रहे हैं और इसे रिलीज करने का सही समय खोज रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि फिल्म की रिलीज डेट अक्टूबर के पहले हफ्ते में अनाउंस की जा सकती है, मगर मेकर्स के सामने बड़ी समस्या ये है कि आने वाले महीनों में टाइगर 3, एनिमल और डंकी जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में मैदान के लिए प्रोड्यूसर्स कौन सी डेट चुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैदान इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक है। मूवी को अमित शर्मा ने डायरेक्ट किया है। अजय देवगन के अलावा इसमें प्रियमणि, गजराज राव और रुद्रनील घोष जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी मेघना ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।